नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं आपका दोस्त तपन चौधरी। और दोस्तों, यहां पर आपके आज मैं लेकर आया हूं एक और बहुत ही बम्पर वैकेंसी। दोस्तों, 12th क्लास कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको इसमें बताया कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये वाली वैकेंसी। और इसके साथ साथ दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ये जो आपके आर्मी के अंदर अग्निवीर हैं कि 4 साल के लिए लगाया जाए, ऐसा नहीं है। ये आपकी परमानेंट नौकरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आपके इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या यहाँ पर आपकी एज लिमिट मांगी गई है, क्या आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से आपको इस जॉब के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम सब इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस वैकेंसी आईटीबीपी के अंदर निकली हुई वैकेंसी यह है आपकी। यहाँ पर हेड कांस्टेबल और आपके यहाँ पर कांस्टेबल की वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें अगर आपके यहाँ पर आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस रिक्रूटमेंट 2022 यानी कि आपकी आईटीबी भर्ती 2022 के बारे में, तो इसके अंदर बात कर लेते हैं पोस्ट की कि आपकी ये कितने पदों के ऊपर, कितने पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर है आपके 186। जी हाँ, 186 पोस्ट के ऊपर आपकी ये भर्ती निकली हुई है। बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। यहाँ पे पोस्ट है आपकी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक। जब कांस्टेबल है वो मोटर मैकेनिक के अंदर है और एक आपका हेड कांस्टेबल है। तो इन दो पोस्ट के ऊपर, दो पद के ऊपर आपकी ये भर्ती निकली हुई है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी शैक्षिक योग्यता की, किसके लिए क्या शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, क्या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पर आपकी इन दोनों पोस्ट के लिए 10th और 12th पास मांगे गए हैं, यानी कि आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए 10th और 12th पास होना चाहिए। बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर एज लिमिट की, क्या आपकी यहाँ पर एज लिमिट रही गई है। तो आपकी जो एज लिमिट है वो आप 18 से लेकर 25 साल की उम्र तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर SC ST PWD और PH कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन यानी कि उनकी आयु में छूट का प्रावधान है, वो भी आपके गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं आपके यहाँ फीस डिटेल्स की कि क्या आपकी यहाँ पर फीस डिटेल्स रहने वाली है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट जनरल और OBC कैटेगरी के हैं, जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट्स जनरल और OBC कैटेगरी के हैं उनके यहाँ पर 100 रुपए लगने वाले हैं, और जो SC और ST कैटेगरी से आते हैं उनकी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। अब SC ST कैटेगरी के बच्चों की कोई फीस नहीं लगने वाली। और दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर आपके आईटीबीपी के अंदर निकली हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल वैकेंसी की कि इसके अंदर क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप कब से लेकर कब तक इसके लिए अप्लाई कर ले सकते हो। तो आपके जो आवेदन करने की जो शुरुआत तिथि वो 29 अक्टूबर है, यानी कि जो आपके आवेदन है वो आपके 29 अक्टूबर से शुरू होंगे, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी यहाँ पर 27 नवंबर 2022। यहाँ तो आप 29 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। और बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे स्केल की यानी कि वेतनमान, आपका यहाँ पर इन दोनों पोस्ट के ऊपर क्या वेतनमान रहने वाला है। तो आपका जो वेतनमान है वो आपके यहाँ पर 21,700 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक रहने वाला है आपके इन दोनों पोस्ट के लिए। जी हाँ, आपका जो वेतनमान है वो 21,700 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक रहने वाला है। इसके साथ साथ आपके जो अलाउंस होते हैं वो भी मिलेंगे, भत्ते जिनको बोलते हैं। और बात कर लेते हैं अप्लाई मोड की कि आप इन पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, इन पदों के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके ऑनलाइन है, आपको इनके लिए आवेदन ऑनलाइन करना है। अब बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपका इसके अंदर सिलेक्शन किस तरीके से होगा, आपको किस तरीके से किस बेस पे इन पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि आपकी जितनी भी आईटीबीपी की भर्ती है इसके अंदर सबसे पहले आपकी होती है दौड़ भाग। जी हाँ, तो दौड़ भाग को यहाँ बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो पहले आपके यहाँ PET होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपके यहाँ पर आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपका होगा रिटन रिटन एग्जाम, फिर आपका स्किल टेस्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जाम। तो ये सारे टेस्ट होने के बाद आपको फाइनली इन पोस्ट के लिए भर्ती कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर आईटीबीपी के अंदर निकली रिक्रूटमेंट हेड कांस्टेबल कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट निकली है, जो भर्ती निकली है, इसके लिए ये थी संपूर्ण जानकारी।
अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस नौकरी के बारे में, इस जॉब के बारे में पता चल सके और वो भी एक बेल्ट वाली, एक वर्दी वाली, एक इज्जत वाली नौकरी कर सकें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक भी जरूर करें और शेयर भी करें। साथ साथ यहाँ इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक और अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।